अभी आए हैं हमारे सब्सक्राइबर, हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर, इतनी दूर से आए। यहाँ चल रहा है दादी और पोती की मस्त वाली फाइट। ये समझ नहीं आती। किसी के पास भी नंबर हो किसी भी पेस्ट कंट्रोल वाले का तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो छुट्टी वाले दिन की यार बात ही अलग होती है। आज छुट्टी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम कर रही हूँ कि कोई मतलब ऐसी लिमिट ही नहीं है कि हर इतने बजे तक फ्री होना है और ये सब। तो मम्मी बेचारे हॉस्पिटल का खाना खा के बोर हो गए हैं, तो आज मैं घर में बना रही हूँ छोले पूड़ी और हलवा, जो बिल्कुल कंजक वाला जो होते हैं ना, काले वाले छोले, मसाले वाले भी और थोड़े से तरी वाले भी, दोनों बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए भी ले जाऊँ, डॉक्टर तो ऑब्वियसली मना करेंगे क्योंकि थोड़े से मसालेदार होता है, पूरी भी हो गई और हलवे में भी घी डलता है अच्छे से। बट मैं थोड़ा थोड़ा सा ले जाऊँगी, मुझे भी पता नहीं देना चाहिए, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा ले जाऊँगी एक मिनट, ताकि उनका मन चेंज हो जाए। हाँ जी हाँ जी, मैं उठ गई हूँ, अपने रूम की बेडशीट वगैरह मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, बाहर लग रही है मेरी मशीन, कपड़े भी धुल गए हैं, पीपी की आवाज़ आ रही है, मैं जाके उनको सुखा देती हूँ। आप पीछे देख सकते हो मैंने बर्तन भी अपने सब धो के रख दिए हैं। ये मैं बना रही हूँ हलवा, ये गरम हो रहा है मेरा देसी घी, इसमें छोले बॉईल हो गए हैं, बॉईल अब लगाऊंगी उनको तड़का, और आटा भी पूरी वाला मैंने ये मेथी वाला, देखो आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मेथी वाला आटा गूंथ के रख दिया। ए नो 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 नो, वेस्ट नहीं करना अभी, पहले थोड़ा सा उसको सेट होने दो। तो बस मैं ये सब कुछ बनाती हूँ, फ्री होती हूँ, सीरियस को भी अब देखती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मम्मी से मिलने जाऊँगी और बाकी भी जो मेरे दो चार काम है वो भी करती हूँ। तो भैया खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन, बस ये जल्दी से बन जाए, हम मम्मी को एक पास ले जाए और मजे से खाए, आप भी बनाएं और ऐश करें। ये देखो इसकी शक्ल देखो, इसने कॉर्नेटो खाई है, और कॉर्नेटो की मैं शक्ल दिखाता हूँ आपको, इसने क्या करा है ये देखो। मम्मा 2 मिनट्स में आ रही है, उल्टी आने को हो गई, इतनी गर्मी लग रही है पता है। और एक चीज बताओ, जब आपको नहीं खानी आती तो क्यों खाते हो? जो चीज आती है खानी वो खाया करो। शक्ल एक बार अपना फेस दिखाना, बोलो हाय मैं भूटू। मैं तो भैया इतना टेस्टी था, आधा खा लिया मैंने और फिर मेरे को याद आया कि ब्लॉग तू टेस्टी है। तो ये रहा हलवा, छोले और ये आलू की सब्जी, आलू छोले मिक्स, पूड़ी, और एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। तो अभी आए हैं हमारे सब्सक्राइबर, हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर, इतनी दूर से आए पानीपत से। तू पानी में खेलने इधर आते पहले, वो पानीपत से आया ना तो इसको पानी आज अच्छा लग रहा है, तो इतने प्यारे हैं वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट साथ में ये गिफ्ट नहीं लाने चाहिए थे, सीरत के लिए वो चॉकलेट और ये पीछे बेडशीट है, मैं इसको बिछा के आपको उनका रिव्यू ज़रूर दूंगी कैसी है। बाकी इनका काम है फर्नीचर का, बेडशीट्स का, कर्टेंस का, सोफ़ा कवर, आपको जो भी ब्रांड के कपड़ा चाहिए आपको हर चीज़ मिलेगी। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी और आपको इनसे मिला भी देती हूँ। तो ये है प्रीति जी, हेलो, और ये उनके हस्बैंड मिस्टर दत्त, और ये उनका बेटा कशिश, ये करेंगे सारे नगर निगम के काम। तो हमारी गली अभी बहुत गंदी है, उसके पहले मैं बात करती हूँ ये गली इतनी गंदी क्यों है। उसके बाद आप जो भी फर्नीचर का काम कराओगे कराना, बहुत ठंडा है तो किसने कहा उसमें नहाना है, इधर आ जाओ वापस। तो बाकी मैं अभी इनका डिस्क्रिप्शन भी लिंक पे डाल रही हूँ, इनका मैं आपको वो भी दूंगी, कार्ड भी इनका मैं एक स्क्रीनशॉट खींच के डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट करो। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, कोई शॉप नहीं है, घर बैठ के आपको सर्विस देंगे, आपको जो भी चाहिए आप बस एक कॉल करो और आप आके आपको सब कुछ समझाएंगे, आपकी नीड्स को समझ के जो भी चीज़ चाहिए आपको परफेक्ट और एडिक्वेट रेट मिलेगी। भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, मैं तो बोल रहा था रात को यहीं पर, और अब टाइम निकाल के नाइट फूड लेके आना, ठीक है, फिर आराम से एंजॉय करेंगे, मजा आएगा आप लोगों के साथ, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। खोलू ये वाला गेट, इधर से निकाल लोगे? तो अब हम भी जा रहे हैं मम्मी से मिलने, क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था मैंने मम्मी के लिए आलू पूड़ी बनाई है, मम्मी को बहुत पसंद है, नॉर्मल आलू पूड़ी तो खाते ही रहते हैं, बट ये जो भंडारे वाली जो बनती है ना साथ में छोले और पूड़ी में हल्का लगा के, फिर थोड़े से छोले लगा के फिर खाओ, उसका तो मज़ा ही अलग है। बाकी कपड़े मेरे अभी भी बाहर सूख रहे हैं, बस दुआ यही है बारिश ना आए, या मैं सोच रही हूँ एक बार उतार ही दूँ कपड़े, भीग गए ना मेरी, हो जाएगी, उतार दूँ, उतार के आई थे।
पर मुझे आलस आ रहा है। जा यार। मैं बैठना चाहती हूँ, मैं बैठ गई हूँ। अरे जल्दी आ जाएंगे। तो आगे उतारेंगे दोस्तों, जो किस्मत में होगा वो कोई नहीं पलट सकता। तो मम्मी के लिए ले रहे हैं अब हम पपीता, क्योंकि मम्मी को मेडिसिन की वजह से ना हो गया बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब से वो गए हैं ना हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जब से 3-4 दिन से मोशन पास हुआ ही नहीं है। डॉक्टर ने सब कुछ कर लिया, एनीमिया सब कुछ ट्राई कर लिया। हाँ तो बस प्रॉब्लम्स के साथ साथ सैल्यूट फ्लैग कर दिया बेटा। तो एक प्रॉब्लम के बाद एक के बाद एक ऐसे आई जा रही है। तो अब देखती हूँ पपीता, क्योंकि पपीता मोशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक पपीता यहाँ से खरीदती हूँ मम्मी के लिए। नाइफ और प्लेट तो मैं ले ही आई थी, तो बस जाते हैं फिर घर आके। अपने भी थोड़े बहुत काम है, आज की छुट्टी तो कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। बाकी जो सब्सक्राइबर आए थे ना सब, मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, अब तो वो फैमिली मेम्बर है हमारे। इतने अच्छे थे ना, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल प्योर हार्ट वाले होते हैं, और ये बिल्कुल वैसे थे, तीनों के तीनों, मदर फादर उनका बेटा। और कशिश तो बहुत ही जॉली नेचर का था, जो जो उसने बातें करी है ना, मतलब हंस हंस के पेट दुख गया। तो बस ऐसे ही आप लोग आते रहो, मिलते रहो और इतना प्यार हमें देते रहो। अच्छा नहीं है इसका पपीता, नीचे और भी तो बड़े हैं। देखती हूँ तो मम्मी के लिए पपीता लेती हूँ फिर जाती हूँ। पपीता तो हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा बेड का काम कराना है हमने, हम इनसे ही करा लेते हैं। बाकी आप लोग भी प्लीज कॉन्टेक्ट करना, जो भी मैंने नंबर दिया है नीचे, और स्क्रीन शॉट भी डाल रही हूँ। जब कांटेक्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, क्योंकि अंकल ने मुझे भी साफ साफ बोल दिया कि पूरा बेड मत चेंज करवाओ, क्यों इतने पैसे लगाने हैं। जितना अच्छा चीप रेट पे हो जाएगा मैं वही कराऊंगा, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सच में ही वो ऐसे ही करते हैं, नहीं लगवाएंगे आपके इतने ज़्यादा पैसे, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा। और लोगों को होता है ना कि डायोर का कपड़ा चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, उस ब्रांड का चाहिए, सारे ब्रांड्स अवेलेबल है उनके पास। तो कॉन्टैक्ट करो और आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और काम भी हो जाएगा। तो मम्मी के लिए जो मैं लाई थी वो मैंने मम्मी को दे दिया, मम्मी आराम से इंजॉय कर रही है। मज़ा आया ना मम्मी घर के खाने का, है ना, घर का खाना। और सीरत तो यहाँ खाती खाती है। तो प्रिया चली गई है दूसरी तरफ, वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी बॉय खेल रही है आपस में। अंजी कैसे हो? मैं कहा तो इतनी आस्ते बोल रहे हैं प्रिया, तेरी आवाज ही नहीं गई होनी। सब चला जाता है। आस्ते बोलता है, ठीक है। अब दबा ठीक है बेटे, कहाँ फर्क है। तो लोग कह रहे हैं कि आप गलत हॉस्पिटल में हो, सही हॉस्पिटल में जाओ। केड़ा सही है? बसंत कुंज में बता रहे हैं। चलोगे? स्पाइन वाला चले जाओगे। तो जिस सर ने ये लिखा था, कोई उनकी अगर लीड है, कोई अगर जानता है डॉक्टर को, तो प्लीज़ उनका नंबर दे दीजिए, ताकि हम लोग पहले फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें, उसके बाद वहाँ पे जाएं। क्योंकि बसंत कुंज यहाँ से दूर पड़ेगा, मम्मी जा भी नहीं पाएंगी गाड़ी में, तो पहले हम लोग मिल लेते हैं, उसके बाद मम्मी को वहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ चल रहा है दादी और पोती की मस्त वाली फाइट। समझ आती गाल पकड़ ले। नहीं आती समझ, आपको ज्यादा आती है, दादी को समझ नहीं है, समझ आती है। साली में चंदा मास्क करती है। ये आप खा रहे हो, मम्मी इकट्ठा हुआ फिर खराब हो जाएगा। सीरत उनको वो सुई लगी हुई है, इधर आ जा, पीछे हो जा। गंदी बात, घर पे फाइट करते हैं, ऐसे नहीं करते दादी से। दादी को चोट लगी है। आ जाएगी समझ, जल्दी आ जाएगी उनको समझ। महावीर जी को कहो, महावीर दादी जी को छुमे दे दो। वो बाबा जी दादी को छुमे दे दो। अब एक्टिंग कर रही है कि मेरे को पैर में चोट लगी है ना, नौटंकी। अभी गोलगप्पे के टाइम पे सब ठीक हो जाएगा, है ना सीरत? तो वो शरारती होगा। कौन सी आएगी? चलो अंकल को सैल्यूट करो फिर, चलो सैल्यूट करो। सैल्यूट बहुत
भाई साहब क्या टाइम हो गया, बच्चे को गोलगप्पे खाने थे, बच्चे की आड़ में तू भी लपेट दिया अगर क्या। एक मीठे पानी का देना इसके बाद। दिल तो हमारा ही बच्चा ही है ना आखिरकार। तो हम लोग घर आ गए थे और घर आते ही सबसे पहले अलमारी ठीक करी। नहीं जी, ये सबसे लास्ट में हुई है। मैंने करी है। साक्षात झूठ कैसे बोल लेते हो यार? किसने करी है? कौन कर रहा है? वो तो तू कपड़े खाली ऊपर रख रही है। अच्छा। नीचे जो गिरे हैं तूने। अच्छा। मैंने साफ करी है। तुमने इसको क्या बनाया हुआ था और मैंने क्या बना दिया? जैसे तुम्हें मैंने तार दिया ना, ऐसे मैंने इसको भी तार दिया। किसको तार दिया? तुम्हें। तुम क्या थे? मैंने क्या बनाया? क्या था मैं? मेरे पास पजामे नहीं है, मेरे पास टी शर्ट ही नहीं है। ये क्या है? ये गिनती की वो चार। अरे ये काफी कपड़े इसमें से निकालने भी हैं यार, काफी कपड़े निकलेंगे। नेकी की दीवार पे रखो ना। रखे जाएंगे, बस अब ये निकलने वाले हैं। अब ये लाइनें हैं अपनी। हमारी शीतू का फ्रूट प्लेट रेडी है। अब शीतू सारे फ्रूट एंजॉय करेगी, अपनी पूरी प्लेट फिनिश करेगी। करेगी ना बुब्बी, है ना? खा लो सारे फ्रूट्स आपके हैं। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? थोड़ा सा खाऊंगी प्लीज। अभी जस्ट सो के उठी है ना, मेरे का सरप्राइज हो जाएगी। अपने आप खाएगी अंकित, अपने आप दो मिनट दोस्त को। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आप लोगों ने मम्मी के लिए इतने अच्छे अच्छे मतलब सजेशंस दिए कि यहाँ डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने सारे मैसेजेस पढ़े हैं, रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था। आप लोगों ने देखा सब्सक्राइबर्स आए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी। ओह माय गॉड, सीरत की चोट भी देख लो गाइस। सीरत रोड पे गिर गई थी, सीरत को चोट लग गई है। तो मैंने हॉस्पिटल जा रही थी, हाँ, तब वो रोड पे गिर गई थी। तो मैंने और अंकित ने दोनों ने मिलके, इवन प्रीति दी जीजू, सबने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। हम उनको फॉर श्योर ध्यान भी देंगे उन पे, और जो भी हमें बेस्ट लगेगा हम कंसीडर भी करेंगे और डॉक्टर को भी विजिट करेंगे। बस मम्मी की फिजियोथेरेपीज चल रही है यहाँ से, पार्क हॉस्पिटल से। और जो सरीन नैयर जी है जो बार बार बोल रहे हैं पार्क इज नॉट अ गुड हॉस्पिटल, टेक हर आउट फ्रॉम देयर, तो हमने कंसीडर किया है उस चीज को। तो वहाँ पे उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है मम्मी का, अभी फिलहाल में फिजियोथेरेपीज चल रही है। उनका जो दर्द का थोड़ा है ना फर्क पड़ जाए, ठीक हो जाओगे। मैं भी दवाई लगाती हूँ। उन्होंने बोला था सरीन नैयर, तो उनसे मेरा ये सजेशन, वैसे सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, तो प्लीज हम लोगों को आप शेयर कीजिए। और सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। फिलहाल मम्मी की फिजियोथेरेपी चल रही है, तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए 4-5 दिन की है, उसके बाद, क्योंकि मम्मी अभी ये वाली सिचुएशन है उनकी कि हम उनको कार में बिठा के भी कहीं ले जाएंगे ना, वो नहीं जा पाएंगे। हम उनको घर से हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं वो हमें ही पता है। तो एक आधी थेरेपी उनकी हो जाए, मतलब एक आज हो गई है, 3-4 और हो जाए जिससे थोड़ी सी हेल्थ जो है वो कंसिस्टेंसी आ जाए एक, कि हाँ शी कैन ट्रेवल अ बिट, थोड़ा सा कर सकती है। तो बस ऐसी वाली सिचुएशन हो जाए तब हम डेफिनेटली सब कुछ कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखो इलाज के लिए तो लोग क्या से क्या नहीं करते, तो हम भी फॉर श्योर करेंगे। बाकी मीनवाइल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब इसका टाइम हो गया है, अब कुरकुरे खाने हैं रात के 12 बजे। अब 24/7 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और मैं और अंकित अभी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते क्योंकि आज हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था। सब्सक्राइबर्स भी आए थे तो उनके साथ भी 2-3 घंटे हमने स्पेंड किए। क्या ये खून आ रहा है? अभी देखते हैं। अब सीरत को भी देख रही हूँ, सीरत को चोट लगी है। बाकी यार घर में ना हमने इतना अच्छा काम कराया था लक्कड़ का, बट उसके बावजूद उसने बोला दीमक का तेल लगा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, उसके बाद भी दीमक आ रही है घर में, मम्मी वाले बाथरूम में, बाकी हर जगह ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी के भी कॉन्टेक्ट हो किसी भी दीमक वाले भैया से या बंदे से, जो दीमक वाले भैया बोल रहे हैं सॉरी, जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं, किसी के पास भी नंबर हो किसी भी पेस्ट कंट्रोल वाले का, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। तब तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। बाय।